हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्रॉप टॉप बनाना बताऊंगी। सिंपल और आसान क्रॉप टॉप बनाएंगे। हैंडल चेन से स्टार्टिंग करेंगे, स्मॉल साइज का बनाएंगे। अगर साइज बढ़ाना है, मीडियम लार्ज करना है, तो 50 चेन हर एक में बढ़ा लेंगे, 50-50 चेन। तो हैंडल चेन से स्टार्टिंग करनी है। तो इस तरह से हैंडल चेन लेके और फिर इसे जोड़ लेंगे। बिना जोड़ वाली बनाएंगे, इसलिए इस तरह से जोड़ना है। 3 चेन और अब हर एक चेन पर डबल क्रोशिया बनाना है। पूरे सर्कल पर बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लेना है डबल क्रोशिए का। और अब लास्ट में हमें इसे जोड़ लेना है थर्ड वाली चेन पर। अब हम डिजाइन शुरू करेंगे, दूसरे राउंड में अलग तरह का डिजाइन बनाएंगे। तो यहीं से शुरू कर लेंगे। 3 चेन और इसी चेन में 2 हो गए डबल क्रोशिए, एक और बनाएंगे सेम जगह पे। दो डबल क्रोशिए छोड़ेंगे बीच में और थर्ड वाले में डाल लेंगे 2 छोड़ के। फिर 3 डबल क्रोशिए, फिर ये 2 छोड़ देंगे। तो दूसरे राउंड में ये वाला डिजाइन बनाएंगे। पूरे सर्कल पे यही बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेना है, 3-3 डबल क्रोशिया का। और इसे भी जोड़ लेंगे। अभी हमें वापिस ये डबल क्रोशिया का राउंड बनाना है, उसके बाद फिर ये वाला राउंड। इस तरह से 2 राउंड कंटिन्यू बनाते जाना है। जितनी साइज में बनाना है उस हिसाब से कंटिन्यू बना ले। हर एक डबल क्रोशिया पे बनाएंगे। तो इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करके फिर ये वाला बनाना है, 3-3 डबल क्रोशिए वाला, फिर डबल क्रोशिए का, फिर 3 डबल क्रोशिए का। तो इस तरह से साइज के हिसाब से बनाते जाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से दिखेगा, ये बनता जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, ये 2 राउंड हमने कंटिन्यू बना रहे हैं। और जितना साइज चाहिए उस हिसाब से बना सकते हैं। अभी मैं इसके 1-2 राउंड और बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने 17 राउंड लिए हैं, 17 राउंड बनाए हैं। ये देखिए, और इंची टेप से नापे तो ये 8.5 इंच है। साढ़े 8 इंच की ये मैंने बना के तैयार की है। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने इसके 17 राउंड किए हैं, 17 राउंड।
और इंची टेप से नापे तो ये साढ़े लगभग 8.5 इंच है। ये देखिए, तो इतने साइज में ये मैंने बनाई है। अब हम यहां पर 2 इंच पर पट्टी बनाएंगे, तो 2 इंच पर बनाएंगे। नाप के भी बना सकते हैं या 10 या 11 डबल क्रोशिया यहां से छोड़ देंगे। 2, 4, 6, 8, 9 10 डबल क्रोशिया हैं यहां से और यहां तक टोटल, तो 10 डबल क्रोशिया छोड़ के भी बना सकते हैं या 2 इंच नाप के भी। तो यहां से हम पट्टी बनानी शुरू करेंगे। पट्टी जितनी चौड़ी बनाना चाहे बना सकते हैं। तीन डबल क्रोशे की बना रही हूं मैं, फिर मैं इस पर दूसरे कलर से फिनिशिंग करूंगी तो और चौड़ाई हो जाएगी इसकी। तो ये 3 डबल क्रोशिया में बना रही हूं अभी मैं। तो इस तरह से इस पट्टी बना के दूसरी साइड में बांध लेना है। 2 इंच नाप के ही बांधना है या 10 डबल क्रोशिया छोड़ के। ये देखिए, इस तरह से पट्टी बना के तैयार कर लेंगे। और जैसे ये 2 इंच के बन जाएगी तो पीछे की साइड 2 इंच नाप के और सेम इसी जगह पर इसे हमें जोड़ लेना है। तो ये देखिए, इस पट्टी के मैंने टोटल 20 राउंड किए हैं और अब इसे हमें इधर बांध लेना है 10 डबल क्रोशिया काउंट करके, और फिर बांधेंगे इसे यहां पर। काउंट करके ही बांधना है तो दोनों साइड बराबर आएंगी। इस तरह से एक चेन लेंगे, फिर इसमें डालेंगे दूसरे में और इधर भी दूसरे वाले में निकाल लेना है, फिर एक चेन और ये लास्ट वाले में डालेंगे और इधर भी नेक्स्ट डबल क्रोशिए पर। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिए पर ही डालना है। और इस तरह से इसे बांध लेना है। तो ये देखिए, ये बनके तैयार हो गई है। अब अगर प्लेन रखनी है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत फिनिशिंग करनी है दूसरे कलर से तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ी दिखा देते हैं। तो इसके फिनिशिंग के लिए जो भी कलर अच्छा लगे लगा सकते हैं। तो मैं ये वाला कलर लगा रही हूं। ये देखिए, नीचे की साइड में भी कर सकते हैं। पूरे पे कर लेंगे तो डबल कलर में और अच्छी लगेगी इस तरह से लेके। ये मैं 5 डबल क्रो, ऊन मोटी है तो मैं 5 डबल क्रोशिया डाल के कर रही हूं। तो इसमें 6 या 7 8 जितने डालना चाहे डबल क्रोशिया डाल के कर सकते हैं। इसके बाद बांध लेना है, और चाहे तो इसके बाद और राउंड भी इसमें बना सकते हैं। इस राउंड के बाद और भी एक दो राउंड बना सकते हैं।
यहाँ से फिर यहाँ पर वापस डाल लेंगे, एक चार डबल क्रोशिया छोड़ के पांचवें पर सेम इसी तरह से दूसरी साइड में बांध लेना है इसे, ये देखिए।